IDTV presents दिल्ली NCR में मार्च की शुरुआत से ही मौसम ने करवट ले ली। जहां मार्च का पहला दिन काफी ठंडा रहा, वहीं दूसरे दिन सुबह से ही घने बादल छाए रहने के कारण कई इलाकों में हल्की बारिश भी हो रही है। कांग्रेस के साथ गठबंधन की अटकलों को विराम देते हुए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 7 सीटों में से 6 पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा आज कर दी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में आज सुबह एक भीषण हादसा हो गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 31 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने ब्लास्ट के जरिए सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश की है। आज सुबह करीब 3 बजे पुलवामा के त्राल के अमलर इलाके में आतंकियों ने IED धमाके को अंजाम दिया। आतंकवाद को फंडिंग करने के आरोपी अलगवादी जमानत इस्लामी पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। इस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब तक संगठन के 350 सदस्य गिरफ्तार किए जा चुके हैं, वहीं इसके 60 से अधिक बैंक खातों को भी सीज कर दिया गया है। थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने आज कहा कि देश में इन दिनों बने नाजुक हालात से निपटने के लिए देश की तीनों सेनाएं पूरी तरह सक्षम और तैयार हैं, और सेना किसी भी स्थिति में देश तथा तिरंगे की आन बान तथा शान को झुकने नहीं देगा। जम्मू कश्मीर में बीती रात पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई है। पाकिस्तान की ओर से अंधाधुंध गोलीबारी की गई है। गोलीबारी से मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन समझौता एक्सप्रेस की सेवाएं भारतीय रेल ने अपनी तरफ से बहाल कर दी हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को हुए आत्मघाती हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। मलाला यूसुफजई ने दोनों देशों के प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वर्तमान संघर्ष को खत्म करने के लिए हाथ मिलाओ और सच्चा नेतृत्व दिखाओ। प्रियंका गांधी के पति और व्यवसायिक रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत दे दी है। उनकी अंतरिम जमानत को अदालत ने 19 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। यह है DID में खबरें अब तक। इंतजार कीजिए कल तक।